हेलो गुड इवनिंग नमस्कार मैं बबीता त्यागी आई कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और जैसा कि सभी स्टूडेंट्स जानते हैं मॉडर्न इंडिया की एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी लॉकडाउन जब शुरू हुआ था और मैंने कहा था कि लॉकडाउन ख़त्म होते हुए तब चौदह तारीख लास्ट डेट होनी थी लॉकडाउन की कि मैं इसको पूरा करा दूंगी और मैंने कल वो टॉपिक कंप्लीट करा दिया है और अब एक नया लॉकडाउन शुरू हो गया है तीन मई तक के लिए तो जब तक क्लासेस पॉसिबल uh, होती हैं तो लेते रहेंगे और uh, इस दौरान मैंने सोचा है कि कुछ इस तरह के टॉपिक जो बहुत सारे स्टूडेंट्स निगलेक्ट कर देते हैं लेकिन सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं उनके ऊपर आज हम बातचीत करेंगे और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने थंबनेल देख लिया होगा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ का टॉपिक लेकर मैं आपके सामने हूँ और आप अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देखते हैं देते हैं कभी आ, आप लोगों ने दिए होंगे एग्जाम्स तो देखा होगा यू उसकी एजेंसीज और उसके ऑर्गन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन आते हैं और किसी भी पढ़े लिखे इंसान से ये एक्सपेक्टेड होता है कि उसको इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बेसिक बातें ज़रूर होंगी करंट में जब भी जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स को तो आप देखते हैं बहुत बार कहां कौन सी हुई कौन सी मीटिंग हुई तो UN, आ, आ, इसका यूएनओ का बहुत बड़ा योगदान होता है इंटरनेशनल लेवल पे हर चीज के ऊपर ये नजर रखने वाली वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में आज जानेंगे बातचीत करेंगे पहले बात करते हैं कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी क्यों इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन uh, का अस्तित्व में आना पॉसिबल हुआ या कैसे पॉसिबल हुआ एक्चुअली हुआ क्या था आप सबको पता है पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर हुए थे फर्स्ट और सेकेंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक चला था और इसके बाद फिर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जो बहुत ताकतवर नहीं थी लेकिन उसको काम सौंप दिया गया कि अब ये अगली बार वर्ल्ड वॉर होने से रोकने की कोशिश करेगी एक ऐसी संस्था जिसको नाम दिया गया था लीग लीग ऑफ नेशंस ये एक कोशिश थी ताकि आगे भविष्य में बड़े युद्ध ना हो या देशों के बीच की जो ये एक लड़ाई झगड़े की कंडीशन पैदा होती है इसको रोक लिया जाए तो इसके लिए बनाई गई थी लीग ऑफ नेशंस लेकिन आप इससे खुद अंदाज़ा लगाओ कि लीग ऑफ नेशंस कुछ भी काम कर ही नहीं पाई क्योंकि महज कुछ सालों बाद नाइनटीन में एक सितंबर को जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई और फिर तीन सितम्बर को फ्रांस और ब्रिटेन ने जवाबी कार्यवाही स्टार्ट कर दी और फिर धीरे धीरे देखते देखते पूरी दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूद पड़े कुछ जानबूझ और कुछ ना चाहते हुए जिसका एग्जाम्पल हम खुद हैं मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे इंडिया की बिना परमिशन के हमारी सो so कॉल्ड सरकार की बिना परमिशन के लिन लिथगो ने कह दिया कि इंडिया भी युद्ध में लड़ रहा है मित्र राष्ट्रों के सहायक के रूप में तो ऐसा करते करते बहुत सारी कंट्रीज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी आ गई ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर लंबा चला 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला और इस वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ आप इस चीज़ को समझिए कि वर्ल्ड वॉर किसी का भी फायदा नहीं कर सकता जो जीतने वाले हैं वो भी नुकसान में ही जीतते हैं जीत जाते हैं लेकिन बहुत बड़ा नुकसान ते हैं आपको याद होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म होने की कगार पर था उससे पहले 1942 तक लगातार जब परेशानियों से जूझ रहा था ब्रिटेन और उनका ग्रुप तो एक इंटरनेशनल प्रेशर बनाया गया था ब्रिटेन के ऊपर कि इंडियंस की किसी तरह अपने में सहमति मिलवाओ ताकि ये इंडियंस इस टाइम पर क्रांति और आंदोलन टाइप की चीजें ना करें तो आप ये मान लो कि जीतने वाला जो ग्रुप था लेटेस्ट स्टेज में वो ये ब्रिटेन अमेरिका ही तो थे इन लोगों के ऊपर भी एक प्रेशर था और बहुत इनकी जान माल की हानि हुई इनके भी लाखों लोगों को नुकसान उठाना पड़ा इनके देश में भी एक मार पड़ी थी बाद में मंदी और इन सब से इनको बहुत बड़े स्तर पे गुजरना पड़ा था तो 1939 से वर्ल्ड वॉर एक चीज समझा गया कि अब अगर भविष्य में कभी वर्ल्ड वॉर हुआ तो धरती पर देश नहीं बचेंगे क्योंकि ये इतना भयानक था कि अमेरिका ने इसमें

बिहाफ पर ऐसा कर लिया लेकिन ये कहां तक मुनासिब है कि इंसान इतनी इतनी सभ्यता जो विकसित हो चुकी है उसको अपने एक के थोड़े से गुस्से में नष्ट कर दे बहुत गलत है और ये तब भी जानती थी दुनिया कि ऐसा कभी ना कभी ना होगा इसलिए अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते चलते एक विचार आया और जिसको बूस्टअप किया अमेरिका ने अमेरिका के राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट ने संयुक्त राष्ट्र संघ का विचार दिया लेटर स्टेज में काम बेशक सबने किया लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि विचार किसका था तो यूएनओ का मेन विचार जो दिया था वो अमेरिका के राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट ने दिया था काम इसके ऊपर 1944 से चल रहा था जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब से लेकिन इसके ऊपर फिर मेन जो कहते हैं ना लिखित वाला काम वो जाके हुआ है 1945 में तो यूएनओ बेसिकली अगला वर्ल्ड वॉर ना हो और पूरी दुनिया में शांति बहाली चलती रहे ये कभी भी कंडीशन इतनी खराब ना हो कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जन्म ले ले और पता नहीं चलता ये कंडीशन कब इतनी बिगड़ जाएंगी जिस दिन थर्ड वर्ल्ड वॉर सुन भी लेंगे ना तो आप ये देखिएगा कि हम सुन के समझ जाएंगे कि पृथ्वी पूरी नष्ट होगी सेकेंड तक देश एडवांस्ड नहीं थे हमारे पास भी कोई परमाणु हथियार नहीं थे जब यह सेकंड वर्ल्ड वॉर था हम अपने आप को कहते हैं हम शांति प्रिय राष्ट्र हैं आज हमारे पास भी परमाणु हथियार है तो आप इमेजिन कीजिए जो इस तरह के राष्ट्र हैं कि जो हिंसा की प्रवृत्ति में तुरंत आगे आ जाते हैं उनके पास क्या कुछ नहीं होगा इंडिया के पास कितनी बड़ी सेना है हमारे पास सब कुछ है तो हमसे तो सब लोग ज़्यादा मेंटेन करते होंगे ना क्योंकि वो लोग तो प्रवृत्ति ही लड़ाकू वाली रखते हैं तो हम अपनी बात कर रहे हैं हम शांति प्रिय होकर सारे सामान अगर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हैं तो बाकी लोगों का तो ऐसा होगा ही होगा चलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऐसी संस्था की ज़रूरत हुई इसको हमने जिसको पढ़ना है आज जिसे नाम दिया गया यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन नाम ही देखो यूनाइटेड सब इकट्ठे नेशंस पूरी दुनिया के देश ऑर्गेनाइजेशन यानी ये किसी एक देश की बपौती नहीं है ये पूरी दुनिया के लगभग देशों का एक ऐसा संगठन है जिसमें सब देशों की इम्पोर्टेंस है और ये इस बात से इसकी महत्व तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जब जब इसकी बैठक होती है इसके सबसे इम्पॉर्टेंट अंग की, तो हर देश का एक एक मेंबर जरूर पहुंचता है वहां। और 193 देश है ना वो सब इसके मेंबर हैं कुछ देश आनाकानी कर रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि हम इसके मेंबर्स नहीं बनेंगे इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करके उन्हें भी जबरदस्ती से या अगर वो खुद मान गए तो इसका बना लिया गया हम स्टार्टिंग से शांतिपूर्ण जो चीज़ें होती हैं इनमें मेंबर्स होते हैं तो आप ये मान लीजिए कि हम लोग स्टार्टिंग से इसके मेंबर बनने में राजी थे हाँ ऑफिशियली इंडिया अगर एग्जाम में आता है कब इसका मेंबर बना तो आप टिक करके आएंगे 30 अक्टूबर नाइनटीन फोर्टी को थोड़ी सी डेट्स की बात भी कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम में आ जाती हैं तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया और शुक्र है यू कुछ हद तक काम कर रही है इसलिए आप और मैं आज सेफ हैं और थर्ड वर्ल्ड वॉर की मार से बचे हुए हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यूएनओ जब बना तो स्टार्टिंग में अप्रैल 1945 की बात है 1945 में अप्रैल की बात है इसके लिए एक बैठक हुई सैन फ्रांसिस्को में जो कि फेमस नहीं है फेमस है जून वाली बैठक लेकिन हम बातचीत कर लेते हैं क्या पता एग्जाम में क्या आ जाए 1945 के अप्रैल में अमेरिका में एक बैठक होती है और वो लोग बातचीत करते हैं पचास देश कि भाई कैसे क्या करें अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म तो होना ही है पैंतालीस तो चल ही रहा है और इससे पहले देखो याद करो कि अप्रैल मार्च का टाइम वो था जब आ, ये हिटलर ने और मुसोलिनी दोनों का पत्ता साफ़ हो चुका था और अब विश्व को ये दिख रहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर बस एंड आ गया महीना दो महीना मुश्किल खिंचेगा ये खत्म होगा तो पैंतालीस में अप्रैल में बैठक होती है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में पचास देशों की फिर इसी को और ये कहते हैं भाई एक चार्टर तैयार करो काम स्टार्ट करो उस पर काम करते हैं और एक चार्टर तैयार कर लेते हैं ये चार्टर 26 जून किताबों में 25 जून लिखा है विकीपीडिया 26 जून कहता है 1945 को ये चार्टर यहाँ पे पेश करते हैं और उसमें 50 देश जो हैं वो साइन कर देते हैं तो पहले चार्टर बनाने की बात हुई थी अप्रैल में और जून 45 में 50 देश प्लस अब एक और देश आ जाएगा बाद में जिसका नाम है पोलैंड जर्मनी ने पोलैंड पर ही आक्रमण किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत एक सितंबर 1939 तो अब इक्यावन देश हो गए साइन करते टाइम पचास थे बाद में पोलैंड भी जुड़ गया था Uh, 26 जून के बाद इसके ऊपर काम हुआ फिर जुलाई अगस्त में जाके अमेरिका ने वो बम बम गिरा दिए 14 अगस्त को उन्होंने कह दिया हम आत्मसमर्पण करेंगे 15 अगस्त 45 को जापान का आत्मसमर्पण और फाइनली जाके हो गया कि यूएनओ अपना काम कर सकती है और इस तरह करते करते 24 अक्टूबर आ गया 24 अक्टूबर 1945 सौ पैंतालीस ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया कि भाई अब से हम अस्तित्व में हैं और हम काम करेंगे तो देखो तीन इंपॉर्टेंट तारीख हैं ये एक अप्रैल वाली एक जून वाली और एक अक्टूबर वाली अप्रैल में बातचीत हुई अमेरिका में जून में इसके चार्टर पर साइन किए गए और यह अस्तित्व में आई 24 अक्टूबर 1945 को इसीलिए हर वर्ष हर साल 24 अक्टूबर को यूएनओ डे के रूप में भी मनाया जाता है ये एग्जाम में आ सकता है यू एन ओ डे कब मनाते हैं तो 24 अक्टूबर यू एन ओ डे है ठीक है उम्मीद करती हूं बहुत छोटी छोटी बातें सबकी समझ में आ रही होंगी अब यू एन ओ बन गई तो काम भी तो करेगी ना काम करेगी तो लिखत पढ़त कोई दफ्तर कुछ तो होगा तो यहां पे अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में जहां बैठक हुई थी ना उससे अलग न्यूयॉर्क में मैनहेटन द्वीप आ, में एक एरिया पड़ता है एक आदमी ने अपनी उसके पास बहुत सारी ज़मीन थी उसने ये दान में दे दी कि भाई मैं देता हूँ ये इंटरनेशनल टेरिटरी के रूप में आप यूज कर लो और आप यहाँ दफ्तर बना लो सत्रह एकड़ के आसपास एक एकड़ मतलब लोकल भाषा में एक किला जिसको बोलते हैं या पाँच बीघे ज़मीन तो ऐसे बहुत सारी भूमि फ्री में मिल गई वहाँ पर दफ्तर बनाया गया एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बनाई गई जिसको हम यू एन ओ का हेडक्वाटर का नाम देते हैं तो यू एन ओ का हेडक्वाटर कहाँ है अमेरिका के न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और इस हेडक्वार्टर में जो ये हेडक्वार्टर है यहीं पर आसपास सारा कामकाज ये लोग देखते हैं इसके लगभग सारे अंग एक को छोड़ के उन सब की मीटिंग्स इसी के आसपास होती हैं और जो ये यूएनओ की बिल्डिंग है ये अमेरिका की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती ये इंटरनेशनल टेरिटरी है यानी इस पर सिर्फ अमेरिका का अधिकार नहीं है स्थिति ये न्यूयॉर्क में है लेकिन ये इंटरनेशनल बाउंड्री है क्योंकि यू एन ओ इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है किसी एक देश की बपो नहीं है यूएनओ यूएनओ में सब लोगों की इंपॉर्टेंस है जितने उसके मेंबर हैं उन सबका महत्व है यह अलग बात है कि महत्व कहीं हद तक पैसे से मापा जाता है तो मैं आपको बाद में बता दूंगी चलिए यूएनओ ने अपना एक झंडा फाइनलाइज किया जैसे जब हम इंडिया की आजादी की यात्रा पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि यूनियन जैक को उतार के नाइनटीन में इंडियंस ने अपना झंडा फहराया तो इनको भी अपना झंडा बनाना था हर एक का आ, की इंपॉर्टेंस होती है उसका झंडा उसकी पहचान होती है तो इन्होंने झंडा क्या फाइनलाइज किया यूएनओ का झंडा झंडा इस ऐसा झंडा है जिसका जो बैकग्राउंड है वो हल्का नीला है ये मान लीजिए झंडा है इसका बैकग्राउंड हल्का नीला लाइट ब्लू कलर का और उसके अंदर वाइट कलर से ऐसे आपको दिखेगा ऐसे प्लस का निशान है और ऐसे ऐसे तीन सर्कल बने हुए हैं इसके अंदर विश्व का मानचित्र है मतलब पूरे वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट्स दिखाए गए हैं इसके अंदर जैसे अमेरिका दिखा दिया है पूरा वर्ल्ड का नक्शा दिखा दिया ये इसका एम्बलम भी है ये इसका चिन्ह भी है ये वाला सिर्फ फ्लैग अगर कहेंगे तो उस चिन्ह को हल्की नीली पृष्ठभूमि ले ली ये जो बैकग्राउंड है ना ये हल्का नीला है और जो ये सिम्बल है इसका जो एम्बलम है ये वाइट कलर से है क्योंकि वाइट शांति का प्रतीक होता है और इसके दोनों तरफ यहाँ पर ऐसे देखना ध्यान से ये टहनिया हैं ये टहनिया एक खास पेड़ की हैं, जिसको शांति के लिए आ, माना जाता है एक सिंबल, जैसे हम कहते हैं ऑलिव इसी को कहते हैं जैतून तो जैतून की शाखाएं हैं पत्तियां नहीं हैं, शाखाएं ब्रांचेस इसकी पत्तियां मत लिख देना तो ब्रांचेस हैं ये ये नीचे से बंद हैं और ऊपर से खुलनी हैं एक तरह का इंडिकेशन है कि कोई भी नया देश अगर वो इनके चार्टर में विश्वास करता हो तो वो यूएनओ का रास्ता उसके लिए हमेशा खुला हुआ है मैंने तीन चीजें एक साथ बता दी आपको इनका झंडा इसका बैकग्राउंड हल्का नीला व्हाइट कलर से एम्बलम उसमें बीच में एक प्लस टाइप का निशान है और ऐसे चक्र चक्र बने हुए हैं और फिर उसके अंदर विश्व का मानचित्र है अगर इसका सिर्फ एम्बलम पूछेंगे तो ये है और झंडा तो लाइट ये बैकग्राउंड बैकग्राउंड वाला जिसका नीला झंडा हो गया, इनका हो गया। ये इस दफ्तर में कामकाज करते हैं और कामकाज करते इंटरनेशनल लेवल पर पूरी दुनिया का एक दफ्तर मान लो हर देश की इंपॉर्टेंस है ना यहां तो किसकी भाषा में काम करें ये? ये थी। तो इसलिए कहा गया कि कुछ कुछ भाषाएं चुन ली जाएं जिनमें ये लोग काम करेंगे तो इसकी लैंग्वेजेस में ना छः भाषाएं इंपॉर्टेंट हैं ये कौन सी छः भाषाएं हैं इसका एक फॉमूला है ए सी ई एफ आर एस ये छः भाषाएं हैं ए मतलब अमेरिकी कोई नहीं भाषा होती क्योंकि अमेरिका वाले लोग अंग्रेजी बोलते हैं तो वो तो ई से आएगी ये है अरेबिक लैंग्वेज जो अरब कंट्रीज हैं ना अरब कंट्रीज इनकी भाषा अरेबिक या जिसको आप अरबी भाषा बोलते हैं अरबी भाषा ये है सी मतलब आप समझ जाएंगे चाइनीज है ई मतलब इंग्लिश एफ मतलब फ्रेंच आर मतलब रशियन और एस मतलब स्पेनिश ये छः भाषाएं यहाँ पे यूज हो सकती हैं लेकिन मेन जो कामकाज करते हैं ना ऑफिशियल लैंग्वेज में वो छः में नहीं करते वो बीच की दो में करते हैं ई e और एफ में ये फॉर्मूला आप भूल जाओगे मैं भी भूलती थी तो इसका एक मैंने ट्रिक बनाया कि याद कैसे रहे ए और सी है इनमें एक गायब कर दिया बाकी सब लगातार में है ए बी नहीं है ए सी इसके बाद आता है डी ई एफ देखो ई e, एफ साथ है इसके बाद पी क्यू आर एस इकट्ठे हैं तो बस ए और सी हैं, ए बी नहीं है ए सी ई एफ आर एस काम मेनली किस में करते हैं बीच की दो में इंग्लिश और फ्रेंच में ये छः इसकी भाषाएं हैं मान्यता प्राप्त भाषाएं लेकिन सबसे ज़्यादा काम जो किया जाता है जो मेन ऑफिशियल वर्क में यूज़ करते हैं वो इंग्लिश और फ्रेंच में ए मतलब अमेरिकी मट टिक कराना ये अरबी है तो अरबी चीनी अंग्रेजी फ्रेंच आ, रूसी भाषा और स्पेनिश भाषा जो स्पेन की भाषा है ठीक है तो ये छः भाषाएं यहाँ चलती हैं मेन काम दो में इनके झंडे का बैकग्राउंड हल्का नीला जिसके ऊपर व्हाइट कलर से यू का प्रतीक बना हुआ है उम्मीद करती हूँ सब चीज़ें आप लोगों की समझ में आ रही होंगी अब यू स्टार्टिंग में मैंने बताया पचास देशों ने साइन किए थे फिर एक पोलैंड भी आ गया था हम स्टार्टिंग से इसके साथ थे आज तक काम कर रही है और थर्ड वर्ल्ड वॉर से हम सबको बचा रखा है तो ये अपने आप में बड़ी बात है ये कैसे काम करती है इसके ना कुछ अंग हैं इसके कुछ ऑर्गन्स हैं कुछ में कई बार पूछ लेते हैं कुल कितने अंग हैं तो छः अंग हैं इसके लेकिन अब एक इनएक्टिव है काम नहीं कर रहा 1994 से उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी बहुत अच्छी बात है कि उसको काम करना नहीं पड़ रहा क्योंकि हमारा विकास हो गया इंटरनेशनल लेवल पे एक मैं बताऊंगी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको बनाया गया था 45 में लेकिन अब वो काम नहीं कर रही उसके सारे ऑपरेशन सस्पेंडेड हैं ज़रूरत ही नहीं है काम करने की तो मेन काम कर रही हैं पाँच संस्थाएं है, पाँच ऑर्गन इसके पहला सबसे पहला और सबसे बड़ा ऑर्गन है इसका महासभा जिसे हम कहते हैं जनरल असेंबली नाम ही देखो महासभा बहुत बड़ी सभा एक ऐसी सभा जिसमें जितने टोटल मेंबर यूएनओ के हैं वो सारे के सारे आते हैं आज की डेट में यूएनओ में एक वे देश हैं एक सौ तिरानवे देश सब इसमें आते हैं सब बैठक में जरूर पहुंचते हैं और यह कंडीशन है कि हर देश से एक आदमी आएगा कम से कम और मैक्सिमम आ सकते हैं पांच लेकिन बात वो पांचों एक ही करेंगे क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजों के डिसीजंस लिए जाते हैं इसलिए यहाँ वोटिंग की बहुत इंपॉर्टेंस होती है तो एक देश की वोट की कीमत एक मानी जाती है ये एक ऐसी संस्था है जिसमें अमेरिका इज इक्वल टू इंडिया है अमेरिका पैसे ज्यादा देता होगा लेकिन यहाँ अमेरिका हमारे बराबर है रशिया चाइना सब बराबर है और सिर्फ हमारे नहीं बाकी सब देशों के तो ये पूरी दुनिया में एक तरह से संसद का काम करती है जैसे संसद होती है ना जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो सभी तो इंपॉर्टेंट होते हैं भाई चाहे वो प्रतिपक्ष में बैठे हैं चाहे पक्ष में बैठे हैं ऐसे ही महासभा है यहाँ डिसीजंस लिए जाते हैं बड़े बड़े पूरे साल में एक बैठक इसकी रखते हैं ये लोग और ये बैठक जनरली सेप्टेंबर के महीने में होती है सेप्टेम्बर में रखी जाती है और सेप्टेंबर से फिर ये मेन चलती रहती है दिसंबर तक स्टार्टिंग पूछते हैं एंड नहीं पूछते क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कंडीशंस जल्दी रखा जाता है साल में एक बैठक करते हैं, अगर कोई देश शामिल हुआ है दो में वो है दक्षिणी सूडान आप लोग जानते होंगे अफ्रीका में सुडान एक देश था दो में उसके दो हिस्से बन गए एक उत्तरी सुडान और एक दक्षिणी सूडान दक्षिणी सुडान ने कहा अपनी सदस्यता अलग अलग से लूंगा सुडान तो ऑलरेडी मेंबर था तो दक्षिणी सुडान को अलग से रैंकिंग में नंबर मिला वन थर्ड मेंबर है ये। लास्ट मेंबर है और अफ्रीका का है जिसकी राजधानी है जुबा तो इसकी कैपिटल क्या है जुबा सबसे नया मेंबर है इसके बाद अब नया मेंबर फिलहाल तक में कोई नहीं है तो एक ही बैठक रखते हैं सितंबर में रखते हैं और यहां साल भर में इस बैठक में करते क्या हैं ये भाई दो तीन महीने क्या करते हैं तो बहुत बड़े बड़े काम करते हैं जैसे ये बजट यहाँ पे पारित कर देते हैं अब पैसा कहाँ से आएगा ये कोई देश एक तो है नहीं इसका पैसा अलग अलग देश फंडिंग में देते हैं अलग अलग और मैं अगर आज की बात करूँ तो सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका दे रहा है अमेरिका है जापान है जर्मनी

जीरो पॉइंट एट ही है लेकिन फिर भी टॉप ट्वेंटी फाइव में आना एक बार हम टॉप टेन में भी आए थे जो पिछला बजट था ना उसमें हम टॉप टेन में भी आए थे तो ये बड़ी चीज है इसका मेन काम है बजट पारित करना इसके अलावा नया मेंबर बनेगा या नहीं बनेगा कोई देश कह रहा है मुझे मेंबरशिप चाहिए तो वो लेगा मेंबरशिप की नहीं लेगा ये डिसीजन करेगी महासभा और ऐसा नहीं कि मन में आया तो बना लिया यहां वोटिंग कराई जाएगी और वोटिंग में टू थर्ड मेजोरिटी बहुमत से अगर निर्णय लिया जाएगा कहे लेना है ये मेंबर तो लिया जाएगा वरना नहीं भी लिया जाएगा तो ये बहुत सारे काम करती है, है, है। सचिवालय के महासचिव के चुनाव में भी इसका योगदान है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस की आ, जो आ, लेते हैं ना उनको पंद्रह जजेस को उनमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान है तो ये मान के चलो कि सारे सिस्टम के ऊपर नजर रखने वाली ये आदेश नहीं देती को लेकिन सिस्टम के ऊपर नजर रखती है महासभा पूरी दुनिया की विश्व की संसद की तरह काम करती है हर देश का कम से कम एक आदमी ज्यादा से ज्यादा पांच लेकिन मत गिना जाएगा एक यहां सब बराबर है ये इंपॉर्टेंट बात है कि यहां सब बराबर है साल में एक बैठक रखते हैं और जनरली वो रखते हैं सितंबर के महीने में चलिए दूसरे अंग की बात करते हैं यू एन एस सी इंग्लिश में हिंदी में इसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल हम सब यूएनओ के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सुरक्षा को टारगेट करके बनाई गई शांति और सुरक्षा जिसका टारगेट था वो थी यू एन ओ तो उसका भी एक अंग खास काम कर रहा है शांति और सुरक्षा के लिए जिसको नाम दिया है सिक्योरिटी काउंसिल बहुत ध्यान से सुनना इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं आ तो किसी भी सकते हैं लेकिन ये ज़्यादा है। इसमें होते हैं टोटल, जिनमें से पांच वो हैं जो स्टार्टिंग से आज तक हैं और उम्मीद है जब तक थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा ये रहेंगे जब तक हम सब रहेंगे तब तो तक ये भी रहेंगे ये पांच सदस्य कभी बदले नहीं हैं ये पांच सदस्य हैं एफ पांचों एज इट इज मित्र राष्ट्र हैं ये जो लड़े थे कभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो ये वही पांचों हैं ये इकट्ठे होके अमेरिका ब्रिटेन चाइना रशिया फ्रांस रशिया तब यूएसएसआर था लेकिन अब हम इसको रशिया के नाम से पढ़ेंगे क्योंकि अब ये रशिया है तो अमेरिका ब्रिटेन चाइना रशिया फ्रांस ये पाँच वो हैं जिन पाँचों के पास एक खास पावर है जिसको आप कहते हैं वीटो पावर वीटो क्या होती है वीटो होती है निषेध अधिकार इकट्ठा लिखेंगे तो निषेधाधिकार इसका मतलब है मना करने की पावर किसी काम को होने से रोक देने की पावर काम कराने की पावर नहीं है ये इसको नेगेटिव फॉर्म में यूज किया जाता है किसी काम को करने से रुकवाने के लिए वैसे पावर होती है काम करवाने की लेकिन ये पावर है काम को रुकवाने की पावर ये सिर्फ पूरी दुनिया में आज की डेट में पांच देशों के पास है यूएनओ में अमेरिका ब्रिटेन चाइना रशिया फ्रांस यही पांचों वीटो का यूज करते हैं और आज तक सबसे

एक बार जो आ गया वो दस आ, जो मेंबर्स आ गए ये दो साल बाद हटेंगे एक साथ नहीं आते इनका टाइम पीरियड अपने आप चेंज होता रहता है दो साल बाद हटना होता है फिर नया आएगा कौन लाएगा नया महासभा जिसमें सारे मेंबर्स हैं तो इन दस में कौन बैठेंगे ये डिसीजन महासभा का है इन पाँच का कोई डिसीजन लेना ही नहीं है बहुत बार आप पढ़ते होंगे कि इंडिया ब्राज़ील इस तरह के बहुत सारे देश कोशिश करते हैं कि हम स्थायी सदस्य बन जाए हमें स्थायी सदस्यता मिल जाए ये बिल्कुल स्पष्ट सुन लो कभी भी ये पांचों किसी छठे को स्थाई सदस्यता नहीं देने देंगे क्योंकि इन पांचों को पता है कि ये एक ऐसी पावर है जो काम को रुकवा सकती है और कभी अगर इन पांचों ने कोई डिसीजन लिया और उस छठे ने वीटो यूज़ कर ली तो फिर इन पांचों की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी इसीलिए कभी भी फिलहाल तक में सिनेरियो ऐसा है कि कभी किसी छठे को ये वीटो देने नहीं देंगे और Uh, दस जो हैं इनमें हम जैसे बहुत सारे देश हैं जो लगातार जाते रहे हैं सबसे ज़्यादा इसमें नंबर पड़ा है जापान का ग्यारह बार जा चुका है वो हम भी सात आठ बार इसके मेंबर बन चुके हैं तो ये वीटो और ये uh, दो साल का कार्यकाल सिक्योरिटी काउंसिल सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करती है जो पुलिस काम करती है ना पुलिस क्या करती है हम सबकी सुरक्षा के लिए काम करती है शांति के लिए काम करती है सेम काम करती है सुरक्षा परिषद तो इसलिए इसको पुलिस मैन की भी संज्ञा दी जाती है कहीं कहीं किताबों में लिख देते हैं जैसे इससे पिछली वाली को क्या कहा था विश्व की संसद वहाँ सब बैठते थे डिस्कशंस होते थे यहाँ कोई नहीं बैठा इन पंद्रह के अलावा और ये पंद्रह बहुत जल्दी जल्दी बैठक करते हैं इनकी बैठक चौदह दिन में एक बार हो जाती है और एक महीने में लगभग दो बैठक हो गई अगर अर्जेंसी हो ना कोई बहुत इमरजेंसी कंडीशन आ गई तो फिर तुरंत से ये बैठक विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स कर देंगे एक दिन के अंदर अंदर भी इनकी बैठक हो सकती है कोई इमरजेंसी अगर आ जाती है वैसे जनरली इनकी बैठक चौदह दिन में एक बार रखते हैं और ये पंद्रह ही मेन देश होते हैं इसमें ये अपने हेड को बनाते हैं एल्फाबेटिकल ऑर्डर में जैसे पहले ए वाला बन जाएगा अमेरिका वाला फिर ब्रिटेन वाला फिर चाइना वाला फिर कोई डी ई एफ अगर बीच में है तो उस हिसाब से रोटेशन के टाइप से चलते रहते हैं इनके प्रेजिडेंट्स का जो बनाने का तरीका है ये बाकी बाहर वालों से कुछ नहीं पूछते ना ये चुनाव कराते ए बी सी डी के अकॉर्डिंग इनके प्रेसिडेंट बनते रहते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका काम है सुरक्षा करना और सुरक्षा है तो हम बैठे हैं वरना कौन पूछने वाला था यूएनओ के बारे में ठीक है तीसरा अंग इसका नाम है सचिवालय ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्रेटरीएट इसको बोलते हैं और इसका काम होता है प्रशासनिक जितना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है ना जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है कागजी काम रिपोर्ट्स तैयार करना डाटा कलेक्ट करना कि नहीं अलग अलग अब मान लीजिए यूनेस्को कह रही है कि हमें पूरे वर्ल्ड का एजुकेशन के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करनी है तो यूनेस्को की रिपोर्ट के लिए आंकड़े कौन देगा यूएनओ का सचिवालय हर देश के आंकड़ों को उपलब्ध करा सकता है जिस भी इसकी एजेंसी को जो भी चाहिए चाहे वो राइटिंग से जुड़ा हो डाटा से जुड़ा हो कोई कॉन्फ्रेंस अरेंज करानी हो कुछ भी कराना है ना इंटरनेशनल लेवल पे तो उसमें इसका सबसे बड़ा योगदान है। इसका एक आदमी हेड होता है जिसे कह, कहते हैं महासचिव बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है महासचिव एंटोनियो गुतरेस आपने सुना होगा पुर्तगाल के जो 2017 से हैं। एक बार जो महासचिव बन गया ना सचिवालय का ये पांच साल तक रहेगा फाइव इयर्स तक इंडिया से आज तक कोई नहीं बन पाया आ, पांच साल कार्यकाल है महासचिव का इसको बनाता कौन है इसको बनाती है महासभा जिसमें सब लोग थे लेकिन इसमें ना सिफारिश चलती है एक पोस्ट है और उस पर सिफारिश जाती है सिक्योरिटी काउंसिल की तो ये समझ जाओ कि वो पांच देश इंपॉर्टेंट हैं अमेरिका ब्रिटेन चाइना रशिया फ्रांस जिसकी सिफारिश जाएगी महासभा उसी का नाम आगे बढ़ाएगी तो इसमें एक की इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पांच की इंपॉर्टेंस है कि क्या बनाने में महासचिव ये एग्जाम में बहुत बार आता है महासचिव का चयन कौन करती है केवल महासभा या सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा तो आप टिक करेंगे सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा महासचिव का इलेक्शन कंडक्ट कराती है ठीक है चलिए सारा काम काज लिखित पढ़त समझ जाओ कागजी काम जितना ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो ये सब कराएगी कॉन्फ्रेंसेज ये कराएगी राइटिंग में ये देगी सारे काम जितने हैं ना कागज़ों से संबंधित या कुछ भी कंडक्ट कराने टाइप के वो सब ये करते हैं सचिव की इंपॉर्टेंस बहुत होती है महासचिव की और ये यूएनओ का फोर रिप्रेजेंटेटिव है जैसे कहें यूएनओ को रिप्रेजेंट एक आदमी करेगा तो कौन करेगा महासभा का नहीं करेगा ना सिक्योरिटी काउंसिल का उस कंडीशन में सचिवालय का महासचिव खड़ा होगा कि मैं हूं यूएन का सबसे पहला रिप्रेजेंटेटिव तो एक अंग का एक आदमी जिसको कि बनाने वाली तो महासभा है लेकिन सिफारिश कौन करती है सिक्योरिटी uh, काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये ठीक है इसके बाद चौथे अंग की बात करते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है चौथा आई सी जे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आई सी जे का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इकलौता ऐसा एक अंग जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है बाकी सबके हेडक्वार्टर सबकी मीटिंग्स न्यूयॉर्क में होती हैं बस महासभा की स्टार्टिंग की मीटिंग लंदन में हुई थी क्योंकि तब तक वो बिल्डिंग्स वगैरह बनने के प्रोसेस में नहीं थी बाकी उसके बाद फिर उनकी मीटिंग लगातार वहीं रखी गई उसी के आसपास ये एक ऐसा अंग है जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका से अलग है इसका हेडक्वार्टर है द हेग हेग, हेग कहाँ पड़ेगा नीदरलैंड में एम्स्टरडेम आपने सुना होगा नीदरलैंड नीदरलैंड में पड़ता है हेग तो हेग में इसका हेडक्वार्टर है यहाँ इंटरनेशनल लेवल पे काम होता है और ये नाम ही देखो ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसमें कौन से मामले जाएंगे ऐसे मामले जो वॉर क्राइम से जुड़े हुए हों यानी युद्ध के बाद या युद्ध के समय में क्राइम से जुड़े मामले एक देश में नहीं देखे जाएंगे ये देखेगा या कोई देश दूसरे देश की टेरिटरी पर गलत तरीके से अटैक करे तो वो वो मामला कहाँ जाएगा वो, वो देश थोड़ी देखेंगे आपस में वो जाएगा आईसीजे में तो बड़े स्तर के लड़ाई झगड़े या वॉर क्राइम्स टाइप के या इंटरफेरेंस टाइप के जितने मामले हैं वो आईसी में जाते हैं इसमें ऐसा कौन है जो इतनी अच्छी जजमेंट करेगा इसमें बहुत बड़े स्तर पर इंटरनेशनल लेवल के जजेस होते हैं और इसमें पंद्रह जजेज होते हैं पंद्रह जजेस इनमें से पंद्रह जजेस में से कम से कम नौ प्रेजेंट होने चाहिए इसका कोरम है ये तभी कार्यवाही शुरू होगी वरना कार्यवाही नहीं होगी तो अगर आए आईसीजे का कोरम कितना है तो आपको टिक करके आना है नौ जजेस का एक बार जो यहाँ जज बन गया ना वो नौ साल तक जज रहेगा एक बार बन के तो इनका कार्यकाल कितना हुआ नौ साल का पंद्रह जजेस टोटल होंगे उनमें से कार्यकाल कितना होगा एक का नौ साल का दोबारा चुने जाने पर भी प्रतिबंध नहीं है और हम लोग इंडिया में बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं दलवीर सिंह भंडारी वो इंडियन हैं, जिनका दोबारा दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव हो गया है दो में तो बहुत बड़ी बात है दलवीर सिंह भंडारी वैसे आज तक चार इंडियन जजेस यहाँ तक पहुँच पाए हैं बेनेगल राव थे इसके बाद नगेंद्र सिंह थे इसके बाद आर एस थे पाठक और चौथे हैं दलवीर सिंह भंडारी तो ये चार जजेस हैं इनमें से सिर्फ एक जज थे जो इन पंद्रह में भी एक पोस्ट बनाते हैं ये पंद्रह कि भाई ये हमारा अध्यक्ष है ये हेड है आईसीजे का अध्यक्ष है और हम इंडियंस बहुत प्राउड से कह सकते हैं डॉक्टर नगेंद्र सिंह फर्स्ट इंडियन हैं जो आईसीजे के अध्यक्ष भी रहे और उपाध्यक्ष भी रहे दलवीर सिंह भंडारी सदस्य हैं बेनेगल राव सदस्य थे रघुनंदन पाठक सदस्य थे लेकिन डॉक्टर नगेंद्र सिंह इस देश के वो इंडियन हैं जो आई में सिर्फ गए नहीं हैं बल्कि उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर भी सुशोभित रहे हैं तो देखो ये हैं इंडियंस का बर कि इंडियंस कहां कहां तक पहुंचे हुए हैं यहां यह भी लिखित में है कि कोई भी दो जज एक देश के नहीं हो सकते जो मैंने चार नाम लिए ना इन सब का ड्यूरेशन अलग अलग था एक साथ नहीं गए एक 52 में गए थे उसके बाद फिर 70s में 90s में और एक अब आ, आपके सामने है प्रेजेंट में जो री इलेक्ट हो गए हैं सत्रह में बारह में गए थे वो तो ये लिखित में है कि कभी भी पंद्रह में से दो जज एक देश के नहीं होंगे और इनकी कार्यवाही शुरू होने के लिए कम से कम नौ जजेस की बेंच होनी चाहिए और एक बार जो बन गया कितने कार्यकाल के लिए नौ साल के लिए दोबारा भी चुने जाने पर प्रतिबंध नहीं है इसका इकलौते का हेडक्वार्टर है हेग में पांचवा इसका इंपॉर्टेंट है इकोसॉक यूएन इकोसॉक लिख देते हैं इसको ईसीओ मतलब है इकोनॉमिक एसओ SO मतलब है सोशल सी मतलब है काउंसिल एक ऐसी परिषद जिसका नाम ही है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद आप सब जानते हैं आर्थिक का मतलब है पैसा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी काउंसिल जिसका काम है पूरी धरती पे जितने देश हैं इसके मेंबर उन सब में पैसे की बातचीत के ऊपर नजर रखे और इसके अलावा सो, सो, जो सोसाइटी है सोशल जो चीजें हैं इन सब के ऊपर नजर रखे क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ मुट्ठी भर देश सारी अर्थव्यवस्था के पैसे को अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं और रोटेशन धरती पर जो देश है पे हो नहीं पाता तो एक तरह की आर्थिक व्यवस्था के ऊपर नजर रखना और सामाजिक व्यवस्था के ऊपर नजर रखने का काम कर रही है इकोसॉक आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इसमें चौवन मेंबर होते हैं एक बार जो बन गया वो तीन साल तक इसका मेंबर रहेगा ये अपना एक अध्यक्ष भी बनाते हैं चौवन में से अध्यक्ष का कार्यकाल महज एक साल का होता है तो जानबूझ के के एग्जाम में अध्यक्ष का कार्यकाल अब हर स्टूडेंट रट्टा मार के रीन साल तीन साल लेकिन अध्यक्ष का कार्यकाल देखो एक साल का है बाकी सदस्यों का कार्यकाल है तीन साल का चौवन इसके मेंबर्स हैं इको सॉक के दो क्षेत्रों में काम करती है इको इकोनॉमिक्स में और एक सोशल में कि भाई सोसाइटी जो है पूरा इंटरनेशनल हम सबकी एक सोसाइटी है ना उसमें यूनिटी रहे कुछ ही देश हावी रहे पूरी व्यवस्था में तो उसके लिए काम करती है यह हो गए आपके पांच अंग छठा अंग जो अब यूज नहीं होता जिसके ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया गया आफ्टर उसका नाम हुआ करता था न्यास परिषद है अभी भी लेकिन ऑपरेशन नहीं चल रहे न्यास परिषद इसी को इंग्लिश में कहते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या कहानी थी ये सुन लो ये था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ ना तो कुछ देश बहुत खराब कंडीशन में थे बहुत ही खराब जैसे हम लोग तो उस टाइम तक ये थे ना कि आज़ादी चाहिए हम अपना संविधान लिख सकते हैं खुद देश चला सकते हैं हमारे देश में तो बहुत एडवांसमेंट थी लेकिन कुछ देश इतनी खराब हालत में थे कि वहां जनता जागी ही नहीं थी उन लोगों को समझ ही नहीं थी अब धीरे धीरे जो कॉलोनाइजेशन है ये तो खत्म होना था उपनिवेश की व्यवस्था तो खत्म हो गई ना आज कहाँ है उपनिवेश उन्नीस के बाद तो सब कुछ खत्म होता चला गया लेकिन उस टाइम पर पैंतालीस के बाद ये दिख रहा था कि कुछ देश इतनी आदम स्थिति में है इतनी पुरानी कंडीशन में बैठे हैं कि उन लोगों को अभी संविधान या कानून और ये सब नहीं है समझ तो उनका तो शोषण कोई भी कर सकता है तो इसी लिए एक काउंसिल बनाई यूएनओ ने जिसका नाम ही रख दिया ट्रस्टीशिप काउंसिल भाई आप कुछ खास देश जिनमें अमेरिका था ब्रिटेन था इस टाइप के कंट्रीज न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया कि भाई तुम लोग हो और अब तुम्हें ध्यान रखना है जो ये कुछ आदिम टाइप के कंट्रीज है ना जिनके कि एडवांसमेंट के अभी दस बारह साल चांसेस नहीं है बीस साल पच्चीस साल इनको लगेंगे अभी आज़ाद होने में और अपनी चीज़ें संभालने में तो आप इनका ध्यान रखो इनका कोई शोषण ना कर पाए तो इसी एक काउंसिल बना दी गई जिसको नाम दिया गया ट्रस्टीशिप काउंसिल इस काउंसिल में बड़े बड़े देश डाल दिए इन लोगों ने थोड़ा सा वहां ध्यान रखा, नजर रखी, फाइनली दुनिया जब एडवांसमेंट की तरफ चली, तो आइलैंड देखा देखी, देखा देखी। चल प्रशांत महासागर में एक देश के तौर पर उसने भी इंडिपेंडेंस लायक बन गया और फाइनली जाके उसमें से भी कर रही थी अपना ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया तो उन्नीस चौरानवे के बाद इस धरती पर अब कोई देश ऐसा नहीं है चाहिए, कि कहीं बेचारे का विकास नहीं हुआ था मानसिक विकास नहीं था संसाधनों का वहां पर दोहन शुरू नहीं हुआ था तो ऐसी कंट्रीज की केयर करना कुछ बड़े देशों की जिम्मेदारी लगा के और फाइनली नाइनटीन के बाद से न्यास परिषद ऑपरेशन नहीं चला रही अंग है आज भी छह अंग हैं लेकिन कौन सा सस्पेंड कर दिया गया लगभग की ऑपरेशन नहीं चल रहे तो न्यास परिषद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये एक्टिव रही लेकिन चौरानवे के बाद ये इनएक्टिव कंडीशन में है उम्मीद करती हूं सब लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी यूएनओ you know, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों और हर एग्जाम में इसको कवर किया जाता है तो इसलिए इसको ढंग से तैयार करके जाना चाहिए कभी भी जब एग्जाम में जाओ ना तो ये मान के चलना कि इसमें से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं ना ए, अलग बात है लेकिन हमारी जिम्मेदारी है पढ़ना और पढ़ाना चलिए रिविजन करते हैं फटाफट से संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एक देश की सरकार नहीं है ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है पूरी धरती पर कितने सारे 193 कंट्रीज की सरकारों के साथ सहयोग करके चलने वाली संस्था है नेक्स्ट है विचार किसने दिया अमेरिकी राष्ट्रपति थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही डी रूज इन्होंने विचार दिया कि भाई यूएनओ जैसा एक संस्था बनानी पड़ेगी हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है और इसकी जमीन सत्रह एकड़ जमीन किसी ने दान दी थी वहीं मैनहेट द्वीप पड़ता है आइलैंड तो वहां इसकी बिल्डिंग बनाई हुई है भाषाएं छह बताई थी ए सी ई एफ आर एस अरबी चाइनीज इंग्लिश फ्रेंच रशियन स्पेनिश लेकिन काम करते हैं मेनली ई e और एफ में इंग्लिश और फ्रेंच में नेक्स्ट देखिए सदस्य पहले 50 थे जो अप्रैल से काम कर रहे थे फिर एक पोलैंड भी आ गया था तो इक्यावन हम स्टार्टिंग से इसके मेंबर थे लेकिन कायदे से जो मेंबर बने ना लिखित पढ़त करके वो 30 अक्टूबर 90 ये 1945 में एक तो वैसे देश हैं दो ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं बहुत छोटे छोटे से हैं और इनमें एक है होली सी करके जिसकी राजधानी वेटिकन सिटी है और एक है पैलेस्टाइन जिसको आप फिलिस्तीन भी कहते हैं बहुत बार आप फिलिस्तीन के संघर्षों की कहानियां पढ़ते होंगे अखबारों में तो ये दो देश हैं ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं वन इसके मेम्बर्स हैं और दो ऑब्जर्वर अगर सदस्य पूछे तो इन दोनों का नाम मत लिखना तब टिक करके आना वन नाइन्टी के कह दें आज की डेट में कितने ऑब्जर्वर हैं तो दो हैं एक होली सी है ध्यान से देखो मैंने एस ई ए नहीं लिखा ये समुद्र वाला नहीं है इसका नाम है होली सी एस डबल ई वाला और एक पैलेस्टाइन या फिलस्ती नेक्स्ट है चार्टर पे कैसे कैसे काम हुआ 25 अप्रैल 45 को 50 देश सैन फ्रांसिस्को में बैठ के बातचीत करते हैं काम करना है 24 अक्टूबर 45 को इफेक्ट में आ गया 24 अक्टूबर से काम करने लग गई यूएन इंडिया 30 अक्टूबर को इंडिया 24 को मेंबर नहीं था इंडिया ने लिखित पढ़त जो किया ना वो 30 अक्टूबर से टिक मार्क करना है ना कि 24 से वैसे इंडिया 50 देशों के टाइम पे साथ था इसके महासभा बहुत बड़ी सभा जनरल असेंबली जिसमें सब लोग हैं सब लोगों के लिए है असेंबली है जनरल सब लोगों के लिए विश्व की संसद है क्योंकि यहां देश का हर देश का एक रिप्रेजेंटेटिव जरूर जाता है कभी पीएम चले जाते हैं कभी विदेश मंत्री वो देश की मर्जी है लेकिन भेजना जरूर है कम से कम एक को फर्स्ट मीटिंग इसकी इक्यावन देशों के बीच हुई थी वही इक्यावन और ये हुई थी मैथोडिस्ट सेंट्रल हॉल लंदन में तो पहली बैठक इसकी न्यूयॉर्क में नहीं हुई ये पूछ लेंगे इसलिए पहली बैठक कहां हुई लंदन में लेकिन अब सारी बैठकें कहां होती हैं न्यूयॉर्क में दस जनवरी 1946 को इसकी पहली बैठक थी जनवरी फोर्टी अक्टूबर में तो बना था फिर दो तीन महीने बाद इसकी बैठक कर दी गई लंदन में हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है सबका न्यूयॉर्क है सिवाय आईसीजे के ये महासभा का निर्णय था जनरल असेंबली ने निर्णय किया कि भाई हेडक्वार्टर कहाँ बनाएंगे तो न्यूयॉर्क में सारे हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है सिवाय हेग वाले के हेग कहाँ पड़ेगा नीदरलैंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नए सदस्यों संबंधी निर्णय लेते हैं अब मान लो अब कोई नया देश कह दे कोई छोटा मोटा द्वीपीय देश कि जी मुझे भी मेंबरशिप चाहिए तो महासभा डिसीजन लेगी कि मेबरशिप ले, देनी है इसको कि नहीं देनी वो कहता है मैं चार्टर में विश्वास रखता हूँ और मैं इसकी मेंबरशिप लेना चाहता हूँ तो फिर महासभा में इलेक्शन टाइप में एक प्रोसेस चलेगा चुनाव टाइप हो ये पूरा बहुमत देखेंगे और अगर दो तिहाई बहुमत से मान जाते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं है की अगर आ जाती है तो फिर उसको सुरक्षा परिषद के दस अस्थायी सदस्य महासभा चुनती है लेकिन पांच के बारे में कोई कुछ नहीं सोच सकता वो पांच एबीसीआर रहेंगे हमेशा इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आर्थिक और सामाजिक परिषद इसके सदस्यों का चुनाव जो चौवन बताया कार्यकाल तीन साल का अध्यक्ष एक साल का इसके मेंबर्स का चुनाव भी ये करती है यूएन आईसीजे का चुनाव पंद्रह जजेस सारे अलग अलग देशों के होंगे एक का कार्यकाल कितना नौ साल का दोबारा भी रिलेक्ट हो सकता है अभी प्रेजेंट में एग्जाम्पल दिया दलबीर सिंह भंडारी जी का साल में एक मीटिंग रखते हैं महा सभा की सितंबर uh, में रखते हैं इसको दिसंबर तक चलती है 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 ये ठीक है? Next है UNSC, सुरक्षा परिषद जिसका काम ही सुरक्षा होगा तो वो इंपॉर्टेंट होगी ही होगी इसलिए emergency की meeting 24 के अंदर, वैसे जनरल मीटिंग रखते हैं ये चौदह दिन में एक बार पुलिसमैन की तरह काम करती है वो संसद की तरह काम कर रही थी ये पुलिस की तरह सुरक्षा और शांति बनाए रखना आज तुम देख लो पुलिस का यही काम है सुरक्षा और शांति पंद्रह मेंबर्स हैं पांच अलग लिखे हैं क्योंकि ये स्थायी है एबीसीआरएफ और दस हैं अस्थाई इन पांचों के पास एक खास पावर है जिसको वीटो कहा जाता है निषेध अधिकार मना करने की पावर चौदह एक बात कह रहे हैं और एक अड़ गया वीटो का यूज़ करूंगा तो उन चौदह की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उस एक की बात मानी जाएगी वीटो माना जाएगा इन अगर मान लो भाई किसी को लगे कि नहीं मुझे वीटो भी यूज़ नहीं करना और मुझे चाहिए भी नहीं काम तो वो एबसेंट हो सकता है इन पाँचों में से अगर वो प्रेजेंट है और वीटो यूज़ कर रहा है फिर काम नहीं होगा इन पंद्रह में से पाँच प्लस चार देखो मैंने लिखा है ये पाँच प्लस चार नौ की सहमति ज़रूरी है किसी भी मामले पर कोई मामला है हाँ का ना का टाइप में तो ये पाँचों तो वीटो वाले होने चाहिए और चार होने चाहिए अस्थाई, यानी अस्थाई की कीमत ज़्यादा नहीं है। में अमेरिका ब्रिटेन चाइना रशिया एंड फ्रांस ब्रिटेन को यूके के नाम से भी एग्जाम में दिया जा सकता है आदेशात्मक है नाम देखो नाम क्या कह रहा है आदेशात्मक ऑर्डर गिविंग है ये जो इसने कह दिया वो करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि कुछ करियर अनसुना कर दें जो ये कह देगी ना वो एक तरह से रेजोल्यूशन है कि करना है मुझे ये काम कंपलसरी रेजोल्यूशन है आपकी मर्जी नहीं चलेगी कंपलसरी है आदेश देने की पावर रखती हैं ये पांच खास और दस इनके साथ चौदह दिन में एक बैठक अल्फाबेटिकली सिस्टम है ए बी सी डी ये चुनते नहीं हैं ए बी सी डी के अकॉर्डिंग अपने मेम्बर हेड्स uh, को बनाते हैं अगला तीसरा अंग है सेक्रेट्रिएट जिसको आप कहते हैं सचिवालय जिसका एक महासचिव है एक पोस्ट है और उसके लिए uh, जो सिफारिश गई थी वो सिक्योरिटी काउंसिल की देखो इसका नाम क्या लिखा है मैंने प्रशासनिक अंग कागजी काम एडमिनिस्ट्रेटिव का जितना वर्क एडमिनिस्ट्रेशन का सारा ये देखती है कॉन्फ्रेंसिस कंडक्ट कराती है डाटा ये कलेक्ट करती है मीटिंग्स ये अरेंज कराती है जो बजट में लिखित पढ़त का भी काम होता है ना वो सारे का सारा देखती है सचिवालय सेक्रेट्रिएट इसका एक महासचिव है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है सभी अंग प्लस अभिकरणों को मदद देती है अभिकरण एजेंसीज फिर कभी कराऊंगी यूनेस्को और यूनिसेफ uh, है ऐसी बहुत सारी एजेंसीज हैं इसकी उन सब की हेल्प करती है अगर उनको कोई भी आंकड़े चाहिए तो ये प्रोवाइड कराएगी कॉन्फ्रेंसिस कंडक्ट कराती है और रिपोर्ट्स तैयार करती है डाटा बजट प्रिपरेशन सारे कागजी काम प्रशासन संबंधी ये करता है सेक्रेटरिएट महासचिव का चुनाव करते हैं ये चुनाव महासभा करती है लेकिन उसमें सिफारिश किसकी जाती है सिक्योरिटी काउंसिल की पांच साल के लिए बनते हैं और एंटोनियो गुतरेस हैं प्रेजेंट में पुर्तगाल वाले ठीक है चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर अगर कोई पूछे यूएनओ का क्या है कहेंगे यूएनओ का एक बताओ चीफ एडमिनिस्ट्रेटर तो आप कहोगे ये होगा महासचिव इसमें महासभा का नाम नहीं लेना ये सचिवालय का महासचिव है इसी को कहते हैं फॉरमोस्ट रिप्रेजेंटेटिव है सबसे पहला यू uh, एन को रिप्रेजेंट करने वाला आदमी कौन है महासचिव तो एंतोनियो गुतरेस आज की डेट में जो पुर्तगाल को बिलोंग करते हैं वो यू के महासचिव हैं पूरी यू को रिप्रेजेंट करते हैं अकेले वो किसके मेंबर हैं सचिवालय के हेड हैं पाँच साल के लिए बने थे सत्रह में अब हटेंगे वो चलिए नेक्स्ट देखिए कुछ लोगों के नाम लिखे हैं जो महासचिव रहे हैं यू के

लंबा चौड़ा नाम है लेकिन डेग हेमर से याद रखना ये स्वीडन के हैं स्वीडन जिसकी राजधानी है स्टॉकहोम जहां सारे प्राइज दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार स्वीडन में ही दिए जाते हैं राजधानी स्टॉकहोम में लेकिन शांति का नोबेल नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है जहां के ट्रिगवेली थे तो दूसरे वाले हैं स्वीडन के इनके कार्यकाल में डेथ हो गई ऑफिस जो इनका टेन्योर था ना उसी के बीच में ये एक्सपायर हुए थे तो पहले वाला जो लिखा है ट्रिगवेली उन्होंने रिजाइन किया था

यूरोपियन हेड क्योंकि देखो नॉर्वे भी यूरोप में पड़ता है और स्वीडन भी यूरोप में पड़ता है तो पहला जो यूरोपियन नहीं था लेकिन हेड बना यूथांड हमारे पड़ोसी देश बर्मा के थे एक मैंने लिखा है बुत्रोस बुत्रोस घाली पुत्रोस पुत्रोस घाली मिस्र के हैं अफ्रीकी देश है मिस्र जिसको आप इजिप्ट कहते हैं जहाँ ममीज निकलती हैं जहाँ पर स्विंग्स पाए जाते हैं जिसको पिरामिड का देश कहते हैं नील नदी की देन कहलाता है तो ये सारी चीज़ें इजिप्ट के बारे में हैं और यहाँ के थे बुत्रोस बुत्रोस घाली सबसे छोटा कार्यकाल चार साल प्लस थोड़ा सा चार साल के आसपास इनका कार्यकाल था वैसे कार्यकाल कितना होता है पाँच साल का तो एग्जाम में आ सकता है किसने रिजाइन किया कौन कार्यकाल के बीच में एक्सपायर हुआ कौन ऐसा था जो नॉन यूरोपियन था और कौन था जिसका सबसे छोटा कार्यकाल इसीलिए लिख दिए वैसे हैं तो कई और भी डबल डबल वाले भी लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्रिगवेली कार्यकाल के रिज़ाइन करने वाले डैग हैमर आ, बीच में जिनकी डेथ हुई यूथांट नॉन यूरोपियन था क्योंकि बर्मा से थे और बुत्रोस बुत्रोस घाली इजिप्ट वाले चार साल जिनका कार्यकाल सबसे छोटा नेक्स्ट है यूएन एन यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल पैसा और समाज दो क्षेत्रों में काम करेगी आर्थिक और सामाजिक परिषद चौवन सदस्य कार्यकाल तीन साल लेकिन यहाँ के हेड का कार्यकाल महज एक साल का है और महासभा इसके मेंबर्स चौवन जो लोग हैं ना ये टाइम टू टाइम रिटायर होते हैं तो उनका इलेक्शन जो है वो महासभा कंडक्ट कराती है जहाँ वो एक सारे लोग होते हैं आईसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कोर्ट दुनिया का सुप्रीम कोर्ट मान लो ये तो यहाँ हेड क्वार्टर द हेग इकलौता जिसका हेडक्वार्टर कहाँ नहीं है अमेरिका में हेग में है Hey, कहां पड़ेगा नीदरलैंड में यूनिवर्सल कोर्ट फॉर लॉ है पूरी यूनिवर्स का कोर्ट है लॉ के लिए तो ये बहुत बड़े लेवल पे काम करता है पंद्रह जजेस होते हैं नौ साल इनका कार्यकाल एक बार बन गया जो आदमी पंद्रह में से तो वो नौ साल का कार्यकाल दोबारा भी रिलेक्ट हो सकता है वॉर क्राइम्स को देखता है कौन से केस देखेगा देश के अंदर के नहीं कोई वॉर के टाइम के क्राइम्स देखेगा इलीगल स्टेट इंटरफेरेंस कोई दो देश आपस में इलीगल एक दूसरे की बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे हैं या फिर मान लीजिए वहां हक जमा रहे हैं तो इस टाइप के केसेस कौन देखेगा आईसीजे नेक्स्ट है कोरम कितना है कितने जजेस प्रेजेंट होने पर कार्यवाही होगी नौ जजेस के ऊपर ये जो आईसीजे है ना इसमें बहुत सारे मामले जाते हैं जब जब गड़बड़ियां होती हैं तो यही देखता है सारे मामले इंडियंस इन आईसीजे चार भारतीयों को मौका मिला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने का टाइम सबका अलग अलग था क्योंकि एक टाइम पे एक देश के दो आदमी नहीं जा सकते बी एन राव बेनेगल नरसिंह राव सबसे पहले और बी एन राव वो आदमी हैं जिसको कितनी समझ रही होगी जिन्होंने संविधान सभा में फ्री में काम दिया था मेम्बर नहीं थे ये निःशुल्क सेवाएं दी थी ये वो बी एन राव हैं जिन्होंने ड्राफ्ट तैयार करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तो ये आई तक पहुँचे हैं तो इमेजिन कर लो कि कितने तेज़ दिमाग होंगे अगला है डॉक्टर नगेंद्र सिंह पहला इंडियन जिसको आईसीजे में हेड के रूप में भी जिसने काम किया उन पंद्रह में ये एक बार उपाध्यक्ष भी रहे और अध्यक्ष के पद तक पहुंचने वाले भारत के पहले आ, इंडियन जज हैं ये अगला है आर एन पाठक रघुनंदन पाठक तीसरे और चौथे हैं दलवीर सिंह भंडारी जो प्रेजेंट में भी हैं प्रेजेंट में भी ये आईसीजे के मेंबर हैं डीएस भंडारी इनको शॉर्ट में बोल देते हैं डीएस भंडारी री हुए हैं 2017 में और ये दिल्ली हाई कोर्ट में रहे हैं ये मुंबई हाई कोर्ट में रहे हैं और ये भारत के सुप्रीम कोर्ट में भी जज रहे हैं तो इनका ज्ञान का स्तर अपने आप इमेजिन कर लो कि मुंबई हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में और अब आई में री है तो अपने आप देख लो कि इनकी नॉलेज का स्तर क्या होगा ठीक है, चलिए अब लास्ट टॉपिक आ गया फंडिंग इतना खर्चा कैसे करती है यूएनओ पैसा क्योंकि किसी देश की तो है नहीं सबकी सांझे की है तो सबने मिल बैठ के कहा भाई पैसा सब अपनी जीडीपी के अनुसार जितना बन पड़ेगा दे देंगे सबसे ज्यादा पैसा देता है अमेरिका बिल्डिंग भी अमेरिका में ही है और मैं आपको सच्चाई बताऊं तो जो जितना पैसा देता है ना उसकी औकात पैसे से ही मापी जाती है इस, इस पूरे संगठन में तो जितने बड़ी ताकत आप होंगे आपका देश होगा उतनी ज्यादा आपकी चलेगी एन में एक कार्टून दिया हुआ है शायद नाइन टेंथ में कोई सी क्लास में है यू की बिल्डिंग दिखा रखी है कार्टून में और तीन चार आदमी दिखा रखे हैं और यूएनओ एक वॉल के ऊपर लिखा हुआ यू और वो उसको किक कर रहे हैं लात मार मार के इधर से उधर फेंक रहे हैं कार्टून है ये एन में एन आप जानते हैं कि ऑथेंटिक किताब है इस कार्टून में ये दिखाया गया है कि वो यू की बिल्डिंग जो है वहाँ पाँच वो जो आदमी खड़े हुए हैं वो अमेरिका ब्रिटेन रशिया चाइना और फ्रांस हैं वीटो पावर वाले और यूएनओ को फुटबॉल की तरह इधर से उधर, उधर उछाल रहे हैं यानी असलियत यही है कि जो जितना पैसा देता है उसकी औकात उतनी ज़्यादा मापी जाती है यूएनओ में कम पैसा देने वालों की ना बात सुनी जाएगी ना उनके हक में काम होगा चलिए आगे देखते हैं यूएसए कितना परसेंट फंड का दे रहा है? है 22 ये घट बढ़ सकता है क्योंकि दो साल में एक बार बजट क्लियर कर लेते हैं 22 परसेंट चाइना 12 परसेंट जितना टोटल खर्च होगा जापान 8 परसेंट जर्मनी 6 परसेंट यूके जिसको आप ब्रिटेन भी कहते हैं ये 4 परसेंट इंडिया कहां है ये रहा इक्कीसवां नंबर है हमारा इस बजट में हम इक्कीसवें हैं कभी हम टॉप टेन में भी गए थे टॉप टेन का मतलब है थे इससे थोड़े बहुत ही फर्क में लेकिन हम टॉप टेन में ऊपर से गिनने पे आ गया था जीरो परसेंट वाले भी कुछ पहुंच गए थे तो इक्कीसवां नंबर है हमारा इस बार के बजट में 19 से 21 वाले में 0.834 परसेंट टोटल का यह भी तुम खुद सोचो कि कितना खर्चा होता होगा तो यह प्रतिशत भी बहुत बड़ा निकलेगा यह भी करोड़ों रुपयों में निकलेगा तो यह मत मानना कि कुछ भी नहीं बहुत बड़ा अभी भी हम खर्चा करते हैं यूएनओ के लिए यह हमारा रैंक है इक्कीसवां यू एन पीस कीपिंग फोर्सेज आपने सुना होगा कई बार यू एन पीस कीपिंग फोर्स वहां भेजी गई ये क्या है यू एन पीस कीपिंग फोर्स यू एन के पास अपनी कोई फौज नहीं है कोई सेना नहीं है फिर इसका नाम यू एन पीस कीपिंग फोर्स क्यों है कभी कभी ऐसा होता है कि दो देशों के बीच में लड़ाई हो गई लड़ाई के बाद सीज फायर वो रुके हुए हैं तो वो दोबारा ना लड़ पड़े वॉर टाइम एंड के बाद भी कंडीशन खराब हो जाती है ना तो वहां यूएन अपनी एक फौज भेजता है वो फौज यू एन की तो है ही नहीं उस फौज में वो सैनिक हैं जो सब देशों ने अपनी मर्जी से दिए वॉलेंटरी

और वो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई जम्मू कश्मीर के डिस्प्यूट के ऊपर खड़े हुए थे तो ये जब तक हमें जरूरत पड़ती रहती है वो दुनिया में सबसे छोटा पीस कीपिंग फोर्स के रूप में आया था महज बयालीस आदमी उसमें आए थे जो ये लोग होते हैं ना ये वाली सेना वाले ये सब अलग अलग हमारे देश से भी जाते हैं बहुत बार और बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि इनको नोबेल प्राइज पीस प्राइज शांति का नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था नाइनटीन में इनकी जो ये पीस कीपिंग फोर्स है और इस फौज को इस सेना को जो जो वर्ल्ड के अलग अलग लोगों से मिलकर बनी है सैनिकों से कोई एक देश नहीं है इसमें इन्हें नाम दिया जाता है ब्लू हेलमेट तो अगर एग्जाम में आ जाए यू एन पीस कीपिंग फोर्स को किस उपनाम से भी पुकारा जाता है तो ब्लू हेलमेट ये इनका उपनाम है नाइनटीन में नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया था इस संस्था को यूएनओ को नहीं यूएनओ की इस टुकड़ी को जो काम करती है इंटरनेशनल लेवल की सेना के रूप में और जिसको उपनाम क्या दिया जाता है ब्लू हेलमेट उम्मीद करती हूँ ये सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी और हमने आज यूएनओ को डिटेल से जान लिया कि क्या है कब बनी बैकग्राउंड क्या था किसने नाम दिया इसका फ्लैग कैसा है इसकी लैंग्वेजेज कैसी हैं लैंग्वेज आपको समझ में आ गई ना छः भाषाएँ हैं इसकी लेकिन काम मेनली होता है बीच की दो भाषाओं में क्या फॉर्मूला है भाषाओं का ए सी ई एफ आर एस और पांच जो बहुत ताकतवर देश हैं वीटो वाले वो हैं ए बी सी आर एफ इनको मिक्स मत करना ए बी सी आर एफ देशों के नाम है अमेरिका ब्रिटेन चाइन, चाइना रशिया फ्रांस ब्रिटेन को एग्जाम में यूके भी कह सकते हैं अमेरिका को यूएस लिख के भी दे सकते हैं तो आपको अलर्ट रहना है एक्टिव रहना है ठीक है भाषाएं कौन कौन सी हैं ए सी ई एफ आर एस ए मतलब अरबी अरेबिक जिसको बोलते हैं अरबी चीनी इंग्लिश फ्रेंच रशियन या रूसी और स्पेनी भाषा या स्पेनिश भाषा मेन काम किस में करते हैं ई e और एफ में 24 अक्टूबर को यूएनओ डे मनाते हैं इंडिया इसमें प्रॉपर तरीके से 30 अक्टूबर 45 को शामिल हुआ स्टार्टिंग में साइन किए थे पचास इक्यावनवा देश बना था पोलैंड नाम दिया था रूजवेल्ट ने हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में छह अंग हैं जिनमें से एक अब उतना एक्टिव नहीं है ट्रस्टीशिप काउंसिल वाला क्योंकि वो सब देश आज़ाद हो गए जो जिनकी कंडीशन बहुत खराब थी और जिसको संभालना इनकी जिम्मेदारी थी तो मेन काम कर रहे हैं पांच अंग चौरानवे के बाद से उससे पहले छः के छः काम कर रहे थे और इनमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इकलौता है जिसका हेडक्वार्टर हेग में है इंडिया से चार जजेस वहाँ गए हैं पंद्रह जजेस की बेंच हो सकती है जिनमें से नौ प्रेजेंट होंगे तो ही कार्यवाही स्टार्ट होगी एक बार जो गया वो नौ साल के लिए टिकेगा दोबारा चुना जा सकता है पर एक से एक ही होगा महासभा में सभी मेंबर्स होते हैं सुरक्षा परिषद में पंद्रह पांच परमानेंट एफ और दस अस्थायी का कागजी रिपोर्ट तैयार कराना कॉन्फ्रेंसिस कराना, आदेश देने की ताकत है सुरक्षा परिषद के पास और आईसीजे इंटरनेशनल लेवल पे कोर्ट के रूप में काम करता है उम्मीद करती हूं आज की क्लास सभी लोगों को समझ में आ गई होगी जो भी किताब तुम्हारे पास है आज यूएनओ का टॉपिक उससे पढ़ लेना ये क्लियर होगा कुछ फैक्ट हमेशा किताबों में से नए नए निकलते रहते हैं तो उनको भी तैयार कर लेना ठीक है आज के लिए इतना ही बाकी कल एक नए टॉपिक के साथ फिर आगे बढ़ेंगे थैंक यू